और अभी तक जो सामने आ रहा है एक बजे तक गुलिस्तान न्यूज अपडेट डेस्क क्या कुछ बता रहा है मजमुई तौर पर 48% वोटिंग रिकॉर्ड हमारे हिसाब से, सोबा कश्मीर में तकरीबन 34% और जम्मू के अंदर जो सूरत हाल है वो आपके सामने टीवी पर दिख रही है कि जम्मू और कश्मीर के अंदर क्या कुछ है। 48% मजमुई तौर पर दोनों सूबों के अंदर, लेकिन कश्मीर के अंदर थोड़ी सी कम आपको नजर आ रही है क्योंकि इसको और कंपाइल करना पड़ेगा। जम्मू के अंदर सबसे ज्यादा बंपर वोटिंग 63%। अब आगे बढ़ते हैं जी, टोटल 48, कश्मीर 34, जम्मू 63। ये जो अपडेट है ये गुलिस्तान न्यूज का अपडेट है, जो हमारा इलेक्शन अपडेट है। हमारी इलेक्शन सेल जगह जगह पर काम कर रही है, उसका आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं, सरकारी आंकड़ा नहीं है, इसको क्लियर आप रख लीजिए। ये फिगर हम अपने इलेक्शन अपडेट का आपको बता रहे हैं, सरकार क्या कुछ बताएगी वो दूसरी बात। जम्मू शुरुआत करते हैं, किश्तवाड़ 67% रिकॉर्ड एक बजे तक, जम्मू 64%, पुंछ 66%, रामबन 59%, और फिर कश्मीर आइए आप पुलवामा, जहां पर लग रहा था थोड़ा सा कम, थोड़ा सा बढ़ गया है, डबल डिजिट 13% वोटिंग। कुलगाम 71%, ब्रिस्क वोटिंग वहां पर चल रही है जी। बड़गाम के इलाकों के अंदर जहां थोड़ी देर पहले अशरफ रिपोर्ट कर रहे थे 63% रिकॉर्ड, और कुपवाड़ा 43% रिकॉर्ड किया गया है। ये इलेक्शन अपडेट मैं लगातार अपने नाजरीन को बताऊं, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अपडेट नहीं है, ये अपडेट हम गुलिस्तान न्यूज डेस्क, गुलिस्तान इलेक्शन डेस्क को कंपाइल करते हुए आप जो फीडबैक देते हैं, हमारे रिपोर्टर जो ग्राउंड जीरो पर है, चप्पे चप्पे पर है, उनको कंपाइल करने के बाद ये अपडेट हम एक बजे का आपको बताते हैं कि कुल हम शरा जो एक बजे की है 48%, कश्मीर 34, जम्मू 63% रिकॉर्ड की गई है। गुलिस्तान न्यूज का अपडेट, गुलिस्तान न्यूज का फिगर हम आपको बता रहे हैं, सरकारी फिगर बाद में आने हैं, शाम को आने हैं, वो आपको बाद में बताएंगे, लेकिन फिलहाल बड़ा अपडेट जो हम आपको बता रहे हैं वो ये है कि कुल मिलाकर जम्मू और श्रीनगर के अंदर मजमुई तौर एक इंसिडेंट को आप माइनस कीजिए, अभी तक सूरत हाल पुरअमन है, एक इंसिडेंट जहां पर अनीसुल इस्लाम पर फायरिंग हुई है उसको छोड़कर बाय एंड लार्ज पीसफुल हुआ है, और जहां पर यह फायरिंग हुई उसके बाद लग रहा था साउथ कश्मीर में थोड़ी सी ठंडी होगी पोलिंग, लेकिन उसके फौरन बाद आसपास के इलाकों में जलसा भी हुआ और ब्रिस्क वोटिंग की भी खबर आ रही।